सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। वाकई में ये सम इजी है, दो या तीन स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन है √98 डिवाइड बाय √2। अब ध्यान से देखो, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो मैं एक रूट लिख सकता हूँ। याद है मल्टीप्लाई में जब दो रूट है तो हम उसको एक मल्टीप्लाई का रूट बना देते हैं, सेम वैसे ही जब दो रूट है उसको एक रूट बना सकते हैं। पहला नंबर है 98, दूसरा है 2। जब आप 98 और 2 को डिवाइड करोगे, मतलब 98 डिवाइड बाय 2, नॉर्मल वे से 98 डिवाइड बाय 2 जब करोगे, ये रफ वर्क में करना है आपको, ओके 49 आता है, तो 98 डिवाइड बाय 2 क्या आंसर आया, 49, ठीक है, स्क्वायर रूट है। 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, क्यों, 7 7 जार 49, तो रूट ऑफ 49 के बदले क्या लिख दूंगा, 7, आपका आंसर खत्म। ओके इजी है ना। नेक्स्ट सेकेंड वन, स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50। अगेन दो दो स्क्वायर रूट है तो मैंने उसको एक ही में बना दिया। ऊपर 125 है, क्यों, क्योंकि पहला नंबर है, नीचे 50 क्योंकि वो दूसरा नंबर है। अब मुझे ऐसे दो नंबर बताओ मल्टीप्लाई करने पे जो 125 आए और वो दो नंबर में से एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे कि 25 5 = 125, है ना। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 125 आता है, और ये दोनों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 25। वैसे ही 50 को भी मल्टीप्लाई करना है ऐसे दो नंबर से जिसमें से एटलीस्ट एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो। 25 2 जा 50 होता है, 50 को मैं कैसे लिखूंगा, 25 2 जा। आई रिपीट, 124 को क्या लिखा, 125 5 जा, एंड 50 को कैसे लिखेंगे, 25 2 जा, ठीक है। लेकिन अभी आप देख सकते हो ऊपर भी 25 है नीचे भी 25 है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, काट देने का पेंसिल से, ठीक है। सिर्फ अंदर क्या बचेगा, 5 एंड 2। समझ में आ गया, ये आपका आंसर है, इजी है ना, अच्छे से करना है आपको ये सब। नेक्स्ट √54 डिवाइड बाय √27, तो एक ही रूट लूंगा, 54 डिवाइड बाय 27, 54 अंदर 27 बाहर, डिवाइड करने का। अब अगर ध्यान से देखोगे 27 2 जार 54, 27 का डबल कितना होता है, 54, माइनस कर दिया, जीरो आ गया रिमाइंडर, तो अंदर क्या बचेगा, √2, क्यों, 54 डिवाइड बाय 27 कितना होता है, 2, तो अंदर क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट। 2 किसका स्क्वायर रूट है, किसका भी नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वन, √310 डिवाइड बाय √5, दो रूट है तो एक ही रूट बना दिया, 310 ऊपर 5 नीचे, वैसे ही डिवाइड किया, 310 डिवाइड बाय 5, डिवाइड करने का तो आंसर आएगा 62, अंदर आ गया 62। 62 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, 64 है, 64 किसका है, 8 का, 8 8 64, 62 नहीं है, इसलिए वो वैसे का वैसे ही करके रूट डाल के आंसर छोड़ देने का, आपका आंसर हो गया, है कि नहीं इजी। अभी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप एकदम मतलब बेसिक है, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है, लेकिन आपको ये ध्यान से ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज मतलब क्या होता है, 3/√5, डिनोमिनेटर कौन है इसमें, √5, तो ये जो √5 है ना, ये मुझे रूट का साइन नीचे नहीं चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं रैशनलाइज, मुझे रूट का साइन नीचे चाहिए ही नहीं। तो क्या करने का, एकदम सिंपल है, 3/√5 का वैसे लिख दो, ठीक है, और जो नीचे जो रूट में आंसर था ना, रूट में √5, उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। आई रिपीट, 3/√5 लिख दिया, ठीक है, मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज मतलब रूट नहीं चाहिए, तो मैं उसी नंबर को √5 को न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करूंगा और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करूंगा। रीजन क्या डालना है, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √5, न्यूमिनेटर को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी 3/√5 कितना होता है, 3√5, नीचे क्या होगा, √5/√5, है ना, सो न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा, 3/√5, इधर भी 3/√5 रहेगा। अभी यहाँ पे √5/√5 कितना होता है, 5, कल पढ़ा था ना अपन ने, कल याद है अपने किया था, √3/√3 तो 3 आ रहा था, √4/√4 तो 4 आ रहा था, वैसे ही √5/√5 क्या होगा, 5, रीजन देने का, √5 × √5 कितना है, 5, ठीक है, आपका आंसर खत्म। आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में
वो पहले डिनोमिनेटर में रूट फाइव था, अब यहाँ पे रूट साइन चला गया। नंबर नीचे कोई भी बदल सकता है, ये फाइव है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूट जो था वो चला गया। इसको कहते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। वैसे सेकेंड वन है 1/√14, मुझे रूट का साइन नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो क्या करूँगा रूट फोर्टीन को ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √14। मतलब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, √14 से। तो 1 × √14 कितना होगा √14, और नीचे क्या आएगा √14 × √14। तो जैसा ऊपर किया था हमने √5 × √5 कितना होता है 5, वैसे ही √14 × √14 कितना होगा 14। √14 × √14 कितना है 14, इसलिए √14 / 14। न्यूमरेटर में √14 था, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 14। आर यू क्लियर? देखो नीचे डिनोमिनेटर में रूट निकल गया। अभी वैसे थर्ड क्वेश्चन है, मैंने लिखा है डू ऑन योर ओन, खुद से करना है, वो भी सेम इजी है। अब फोर्थ वन ध्यान से देखना, इसमें आपको एक नया चीज सीखने जैसा है, 6/9√3। अब मुझे क्वेश्चन बताओ, मुझे हेल्प करो ये जानने में कि रूट किसके नीचे, जो डिनोमिनेटर है वो रूट साइन किसके ऊपर है, 3 के ऊपर है ना, है ना, 3 के है ना, 9 का तो नहीं है ना, सिर्फ 3 का रूट है ना, तो सिर्फ इसको ही मल्टीप्लाई करना होता है। इस तो मैं बोला, ध्यान देना इसमें जरा, 6/9√3 वैसे का वैसे लिख देने का। अब मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सिर्फ √3 से, 9 से नहीं करूंगा, क्यों, वो तो पहले से ही एक नंबर है, मुझे सिर्फ रूट हटाना है, तो सिर्फ रूट वाले नंबर को ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा। सो √3 भी मल्टीप्लाई होगा, √3 डिवाइड भी होगा यहाँ पे, ठीक है। इन शॉर्ट आपको 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना है, वो पहले से एक नंबर है, सिर्फ √3 को मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो 6/9√3 इक्वल मल्टीप्लाई बाय √3 ऊपर भी √3 नीचे भी, क्यों, क्या रीजन है, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √3। समझ में आ गया, 9 को मल्टीप्लाई और डिवाइड मत करना, सिर्फ √3 होगा। फिर 6 × √3 कितना होता है 6√3, ये कैसे नीचे कैसा आएगा 9√3 × √3, 9√3 × √3, ठीक है। ऊपर का वैसे का वैसे ही रहेगा, 6√3 6√3, ये 3 है √3। नीचे ध्यान से देखना, 9 को 9 लिखूंगा, ये √3 × √3 कितना होता है 3, √3 × √3 कितना होता है 3, इसलिए √3 × √3 कितना होगा 3, ठीक है। अब इसको मैं नीचे फिर से लिखता हूँ, 6√3 और नीचे 9/3, मतलब 9 × 3, ये जो सेम है वैसे का वैसे ही लिखा मैंने। अभी ध्यान से देखो, ये 3 1 ज़ा, ये 3 2 ज़ा 6, है ना, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 2√3 और नीचे क्या बचेगा 9 1 ज़ा 9, 2√3 / 9। अब देख रहे हो नीचे रूट गायब हो गया, इसको कहते हैं रैशनलाइज डिनोमिनेटर। वैसे फिफ्थ क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक में है, इजी है, सॉल्व बाय योरसेल्फ, तो काफ़ी इजी है। आई रिपीट, कल संडे है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड इनफैक्ट कल नहीं, ये वीडियो में एक्चुअली सैटरडे को शूट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला कल संडे है। आपको प्लीज़ इसको प्रैक्टिस करना ही है, अच्छे से करना, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछना है आपको, ठीक है, प्लीज़। ये काफ़ी ईजी है, अच्छे से करोगे तो स्कोरिंग है,